कोविड के बाद अब जब लोगों की जिंदगी पटरी पर आने लगी है, तब ऐसे में लाइट बिल में बढ़ोतरी ने लोगों की कमर तोड़ दी है। इसी के खिलाफ छेब्रो फाउंडेशन ने चेंबूर घाटला से अडानी इलेक्ट्रिसिटी के तिलक नगर कार्यालय तक मोर्चा निकाला। ऐसा कहना था मोर्चा के आयोजक और छेब्रो फाउंडेशन के अध्यक्ष आशीष गडकरी का। इस मोर्चा में भारी संख्या में लोग अपना लाइट बिल लेकर शामिल हुए थे। चेंबूर स्टेशन मार्केट के व्यापारियों ने भी इस मोर्चा में शामिल होकर अपना विरोध प्रकट किया। के ज़ेब्रो फाउंडेशन ने निकाला है अदानी के ऊपर, अदानी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, बिकॉज अब देख रहे हो कि जो बार बार बिल में बढ़ोतरी आ रही है, लगातार बढ़ोतरी आ रही है। हम लोगों ने उसको लेटर दिया था उनको कि बाबा 26 नवंबर को कि आप इस पर कुछ करिए करके, जैसे आज यहाँ पे हैकर्स का बहुत प्रॉब्लम है, वो लोग चोरी करते हैं, यहाँ पे थेफ्ट का प्रॉब्लम है लोखंडे मार्ग से लेकर बैंगनवाड़ी में, तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, ये कॉमन पीपल लोग है, शॉपकीपर्स हमारे हैं, मर्चेंट एसोसिएशन है, और या तो नॉर्मल पीपल, इन लोग सब लोगों को तकलीफ उसकी भुगतनी पड़ रही है। तो हम ये निवेदन लेके आज अदानी के पास जा रहे हैं कि भाई आप सिस्टम सुधारिए, ये थेफ्ट हो रहा है उसको रुकाइए, ये जो बिल बड़ा डबल डबल हम लोग को आ रहा है उस पर आप ध्यान रखिए, ताकि आगे नॉर्मल पब्लिक को कोविड के बाद में जो तकलीफ हुई है नौकरी की धंधे की, ये बार बार होनी नहीं चाहिए। घर संभालना मुश्किल हो रहा है, अब गैस बढ़ते जा रहा है, सब बढ़ते जा रहा है, और इलेक्ट्रिक तो आप निवेदन दिया है कि और 1.5 रुपये और बढ़ना चाहिए करके, तो और ऑलरेडी एग्जॉर्बिटेंट बिल बढ़ चुके हैं, अभी और कितना बढ़ाएंगे और कितना शोषण करेंगे हम लोग का। प्लीज़ कृपा करिए, इससे रुकाइए और इस पर सॉल्यूशन निकल के हमको दीजिए। यस, हम लोग ने अधिकारियों को लेटर भी दिखा था, आज फोन पे बात भी हुई मेरी, तो आज जो अभियंता है उनके जॉइंट डायरेक्टर वो सब मेरे लिए रुके वहाँ पे, उन्होंने बोला कि आप जो भी है शांतिपूर्वक हमने मोर्चा निकाला है आज, ताकि एक निवेदन देंगे और 60 दिन का टाइम भी देंगे उनको कि इस निवेदन के बाद में हम लोगों ने जो पॉइंट लिख के दिए उसको आप इनकॉर्पोरेट करिए और आपके सिस्टम में डालिए, ताकि उसके बाद में अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो हम वहाँ पर ठीक आंदोलन करेंगे बाद में। जी क्या कहना चाहिए, कितने लोग शामिल हैं? आप देखेंगे तो कैमरा पीछे घुमाएंगे तो बहुत ही ये जन लोगों का आक्रोश है, जो यहाँ पे रास्ते पे काम धंधा छोड़ के मोर्चे के लिए आए हैं, वो सब आप देखेंगे कि बहुत यहाँ पे महिला वर्ग नहीं तो यंग क्राउड भी है, बूढ़े आदमी भी है और महिला भी है, तो आप देख सकते हैं कि सब जगह से यह आक्रोश निकल रहा है। तो मैं ही यही बोलना चाह रहा हूँ कि अदानी की ये जो मनमानी है बंद होनी चाहिए। कोविड के बाद सामान्य जो आदमी है वो ऑलरेडी कोलैप्स हुआ है, अभी उसको उभारने के लिए और हम लोग छेब्रो फाउंडेशन के माध्यम से कुछ ना कुछ तो उन काफ़ी बोझ बढ़ता जा रहा है, क्या लगता है? पहले बात तो मैं ज़ेब्रा फाउंडेशन का बहुत आभारी हूँ कि हमारी भी एक संस्था है वायरस जीरोस, इन्हें आज 25-26 संस्थाओं ने इनको सपोर्ट किया है, उनमें से हमारी एक संस्था है ज़ेब्रा फाउंडेशन, ने ऑलवेज लोगों के कॉमन पीपल्स जो है उनके आम लोगों के जो मूलभूत हक है उनके ऊपर हमेशा फाइट की है। तो ये कहना चाहता हूँ, ये जो बिल भरा है, जो आर्थिक मंदा ये है और बेरोजगारी बढ़ गई है, वो बेरोजगारों में ये बिल का जो बोझ है वो लोगों को आत्महत्या तक करने को प्रवृत्त कर रहा है, तो इसके लिए आज ज़ेब्रा फाउंडेशन जो स्टेप उठाई है उन्होंने, हम उनके उनके साथ नहीं, हम उनके साथ मिलकर चलना चाहते हैं, यही कहना चाहता हूँ। बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि ज़ेब्रा फाउंडेशन जैसे सभी संस्थाओं ने आगे आना चाहिए, कि ऑलवेज सिर्फ फाउंडेशन खोल के फायदा नहीं होता है। आशीष जी को देखिए, हमेशा आशीष जी ने नागरिकों के मूलभूत हक और उनकी जो ज़रूरतें हैं उनके ऊपर आवाज़ उठाई है, तो इसीलिए वायरस फाउंडेशन आज वायरस हीरो जो हमारी संस्था है, सारी प्रेस वाले जानते हैं, उन्होंने आशीष जी को तहे दिल से सपोर्ट किया है। और बिल बिल के बारे में आपको एक सही बात कहना चाहता हूँ कि लोग अंधेरे में रहना चाहेंगे मगर कोई बिल बढ़ता हुआ आज अपने पेट की भूख को मार नहीं सकते, इसके लिए पेट की भूख को मारना नहीं है, तो प्लीज बिल थोड़ा कम करो प्लीज। कॉमन पीपल प्रोग्राम है, तो इतना ही कहना चाहता हूँ, अदानी हो या कोई भी हो, आम नागरिक के सामने कोई नहीं, जैसे आज ये फाउंडेशन आम नागरिकों के लिए खड़ी है वैसे हजारों फाउंडेशन उतरेंगे और उनको बिल कम करना ही पड़ेगा। पहले तो धन्यवाद दूंगा ज़ेब्रा फाउंडेशन को, आशीष गडकरी जी को, कि जो इन्होंने बिल का मुद्दा उठाया है, ये बिल का मुद्दा तब से उठा है कि जब भी लॉकडाउन था, लॉकडाउन में दुकानें बंद थी, बंद दुकानों का भी बिल आया है और उसके लिए हमने मांगा तो उसको भी जवाब अभी तक मिला नहीं है, और अभी जो बिलिंग आते हैं तो 30 तारीख के ऊपर का जो बिलिंग है तो उसमें भी बिलिंग में रीडिंग में गड़बड़ है, इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स है,
जो 20-25% ज़्यादा बात बताते हैं, तो पैसा ऐसे इनडायरेक्टली लोग खींच रहे हैं पब्लिक के जेब से, तो पब्लिक कहाँ से बचाएगा पैसा? अगर उनको कोई बताने वाला होगा, उसको समझाने वाला होगा, तो ये आगे चल के मतलब आम पब्लिक का फायदा होगा। और हाँ, एग्रो फाउंडेशन जैसे इसका नेतृत्व कर रहे हैं, तो बाकी के लोग भी क्यों नहीं आगे आ रहे? क्या उनको तकलीफ नहीं है? तकलीफ सबको है, लेकिन कैसा है, देखो ये कैसे दिल की बात है, ये पब्लिक का है, इस पर कुछ मुनाफे की बात है ही नहीं। जहाँ मुनाफा होगा वहाँ आदमी जाता है, एक आदमी का एक साइकोलॉजी है। जहाँ इधर कोई मुनाफे की बात नहीं है, ये जनरल पब्लिक की बात है। जनरल पब्लिक की बात में पब्लिक का फायदा होना चाहिए, पब्लिक का फायदा आना तो चाहिए, उसके लिए जागृति लाना चाहिए, लानी पड़ेगी, तभी होगा। और हमारे CMA के हैं, हमारे पारस बम्बोली जी, फिर जय राय, फिर विक्की भाई, ये सब हमारे ग्रुप में। CMA ने भी उसको इलेक्ट्रिक बिल के लिए समर्थन देते हैं ना, जरूर। ये क्या कोई ख़राब काम तो है ही नहीं, इस पर कोई पॉलिटिकल इशू है ही नहीं। देखो पॉलिटिकल को भी बिल आता है, अब आम पब्लिक को भी आता है, छोटे को भी आता है, बड़े को भी आता है, तो इसका रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा ना कहीं ना कहीं। तो हम लोग के कोई इसमें बोलेंगे तो कोई ये खड़क से तो है ही नहीं, हम लोग शांति से चल रहे हैं। है कार्यकारी अभिनता है, उन्होंने मिलने बुलाया हम लोग को, और इसके बाद में हम लोग जो भी है एक अलग से आंदोलन प्लान करेंगे। अगर ये इसमें से कोई मसला नहीं निकला तो अलग आंदोलन हम लोग प्लानिंग करेंगे इसके ऊपर।